feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the pan, off the side, never knew she's so bad. Hit the jam, made the right off the beat. Hit the gas in the pan, off the side, never knew she's so bad. Hit the jam, made the right off the beat. Hit the gas in the pan, off the side, never knew she's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी स्टेशन के बाहर। और अभी मैं इस स्टेशन के अंदर चलता हूँ और यहाँ की ताज़ा तरी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। और यहाँ पे जो बहाली का काम मुकम्मल किया जा चुका है तो उससे मैं आपको अपडेट दूँगा। तो अब ये गेट देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन दिखाया राइट साइड पे, तो ये हेवी गेट है जो कि औरंगी स्टेशन के बाहर लगाया गया है चांदनी चौक जाने वाला, चांदनी चौक वाली सड़क पर। तो अभी मैं इस गेट के अंदर चलता हूँ और यहाँ से औरंगी स्टेशन फेज़ 1 के तहत जब गाड़ी अपने सफ़र का आगाज़ करेगी तो वो इस स्टेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करेगी, औरंगी स्टेशन। और औरंगी स्टेशन के बाहर ये गेट लगाया जा चुका है और गेट के बाहर ये फाटक भी मौजूद है। फाटक का काम है औरंगी स्टेशन के बाहर चांदनी चौक वाली सड़क पे फाटक का काम मुकम्मल किया जा चुका है और अभी सिर्फ फाटक पे रंग और रोगन का काम रहता है। मेरे कैमरामैन क्लोजअप करे तो ये नया फाटक है जो कि यहाँ पर लगाया गया इस गेट के बाहर। और गेट के बाहर फाटक का काम मुकम्मल किया जा चुका है और अभी सिर्फ फाटक पर रंग और रोगन का काम रहता है। तो इंशाल्लाह ताला जब फेज़ 2 के तहत जब गाड़ी औरंगी स्टेशन से आगे नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए जाएगी तो इस गेट को खोला जाएगा और इस फाटक के ज़रिए चांदनी चौक वाले सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। फिर गाड़ी यहाँ से और अगला गेट जो कि मेरा कैमरामैन सड़क के उस तरफ देखा है तो दूसरा गेट है, ये दोनों गेट को खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ से गाड़ी बाकायदा नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन की जानिब अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेगी। और ये हाँ, और अभी इस गेट पर ताला लगाया गया है, अंदर की जानिब ताला लगा हुआ है। तो औरंगी स्टेशन में जब मुसाफिर आज़ाद गाड़ी का जब टाइम हुआ करेगा तो उस टाइम के मुताबिक इस गेट को खोला जाएगा, तो मुसाफिर आज़ाद यहाँ से अंदर जाया करेंगे और गाड़ी पे सवार हुआ करेंगे। तो अभी गाड़ी गाड़ी जाने का टाइम नहीं हुआ है तो मैं टाइम से पहले आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ भाई जाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान हाँ, तो मैं अभी आम पाकिस्तानी की तरह शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करता हूँ और फिर मैं इस गेट के नीचे से स्टेशन की जानिब चलता हूँ, फिर वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। तो मेरा कैमरामैन मेरा माइक पकड़ ले। तो व्यवर देख सकते हैं इस वक्त मैं औरंगी स्टेशन के अंदर आ चुका हूं और इस वक्त मैं आपको ट्रैक की सिचुएशन से आगाह कर रहा हूं। तो यहां पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा चुका है और ये देख सकते हैं ये चेंजर, तो इस चेंजर का काम अभी रहता है गालिबन, तो जो कि ट्रैक चेंजर कहलाता है। ये 1960 में लगाया गया था ये चेंजर, तो यकीनी तौर पर से टेक्निकल स्टाफ काबिल इस्तेमाल बनाएंगे जिसे अभी इस्तेमाल के लायक बनाया नहीं गया है। तो ये है चेंजर औरंगी स्टेशन के करीब, औरंगी स्टेशन की सूरत हाल तो मैं आज आपको आगाह करूंगा इस ब्लॉग में। और यहाँ पे और ये औरंगी स्टेशन का बोर्ड लिखा हुआ है, देख सकते हैं औरंगी स्टेशन। और ये 1960 में इंतहाई नामुनासिब मैं कह सकता हूँ कि काम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये 1960 में तामीर शुदा ये दीवार हिफाजती दीवार जिसका मरम्मत भी मुनासिब तरीके से नहीं किया गया। ये देख सकते हैं टूट फूट का शिकार है दीवार और इसी के ऊपर टूटे फूटे दीवार के ऊपर रंग और रोगन कर दिया जा चुका है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इंतहाई खस्ता दीवार है जो कि 1960 में तामीर किया गया था 1960 में। तो मैं इस दीवार की सूरत हाल से आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसके कॉलम के सरिये वगैरह भी दिख रहे हैं, ये प्लस्तर करना भी मुनासिब नहीं समझा गया इसे। और इसी अरे बैठने और आप देख सकते हैं यहाँ पे टूट फूट का ये शिकार 1960 में तामीर दीवार, इसके ऊपर यूँ ही रंगो रोगन किया जा चुका है और इसी हालत में इसे बहाल किया जा चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे फर्श का काम भी अभी मुकम्मल नहीं किया गया। ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी देखूंगा तो यहाँ पे काफ़ी सुसरवी का शिकार है। और ये प्लेटफॉर्म के साइड में देख सकते हैं अभी यहाँ पे फर्श का काम रहता है, देख सकते हैं आप। तो प्लेटफॉर्म पे भी अभी मुकम्मल तौर पर फर्श वगैरह नहीं किया गया है। और ये लूप लाइन का काम मुकम्मल किया जा चुका है गालिबन और इसके ऊपर कंक्रीट के पत्थर डाले जा चुके हैं। तो ये औरंगी के स्टेशन की सूरत हाल तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। व्यवस्थित इस वक्त मैं औरंगी स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहा हूँ। तो अभी जैसा कि आपने देखा मैंने गेट के नीचे से आया हूँ, गेट बंद किया जा चुका है और औरंगी स्टेशन में गेट लगाया जा चुका है और गेट के नीचे से मुझे आना पड़ा, गेट पर ताला लगा हुआ था। तो इस वक्त मैं स्टेशन के अंदर हूँ और यहाँ की सूरत हाल से अपडेट दे रहा हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, तो अभी मेरे कैमरा में देखा था कि ये औरंगी स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जिसके अभी मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं मेरे कैमरा में दिखा सके तो अभी भी ये टूट फूट का शिकार है प्लेटफॉर्म। और ये अतराब में दरख्त वगैरह लगाने का अमल शुरू किया। और अभी मैं लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं वो गेट है जहाँ से मैं स्टेशन के अंदर इंटर हुआ हूँ, दाखिल हुआ हूँ। और मेरे राइट साइड पे कैमरामैन ट्रैक की सूरतहाल से आएगा, ट्रैक की सूरतहाल देखा है तो ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा चुका है। और लूप लाइन का काम जो यहाँ पे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जारी था, तो लूप लाइन बिछाने का काम मुकम्मल किया गया है। लूप लाइन जहाँ से ट्रेन का रुख मोड़ा जाता है, इंजन का रुख मोड़ा जाता है, तो लूप लाइन यहाँ पे बिछ चुका है। और मैं आपको यहाँ की सूरतहाल से अपडेट दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं औरंगी स्टेशन में दरख्त वगैरह भी आ चुके हैं, नीम के दरख्त। और यहाँ पे नीम के दरख्त वगैरह लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। ये बहुत खुश आइन हमारे व्यूअर्स, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे दरख्त वगैरह लगाए गए हैं। ये नीम के दरख्त हैं, ये दिखा सके कैमरे में तो यहाँ पे नीम का एक अदर दरख्त इस तरफ लगाया गया और तकरीबन 5-6 दरख्त और पड़ रखे हुए हैं। तो यकीनी तौर पे ट्रैक के प्लेटफॉर्म के ताब में दरख्त वगैरह लगाया जा रहा है। और ये मेरा कैमरामैन दूसरा दरख्त दिखा सके तो इसका तो मेरा कैमरा में दिखाया था कि यहाँ पर भी दरख्त वगैरह लगाने पौधे वौधे लगा दिए गए हैं और शजरकारी का बाकायदा औरंगी स्टेशन में आगाज़ कर दिया गया है। बहुत खुश आए हमारे व्यूअर्स। तो इसी तरीके से स्टेशन के अताब में खासा दरख्त लगाया गया है यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जब दरख्त बड़े होंगे तो स्टेशन को सरसब्ज और शादाब बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। दरख्तों की वजह से काफ़ी खूबसूरती पैदा हो जाएगी औरंगी स्टेशन में भी, मंगोपीर स्टेशन की तरह। तो मैं यहाँ की सूरतहाल से अपडेट दे रहा हूँ औरंगी स्टेशन की सूरतहाल से। और अभी मैं स्टेशन की जानिब चलता हूँ, वहाँ की सूरतहाल से भी आपको मेरा राइट साइड पे कैमरा मैन दिखा सके तो ये मुसाफिर हजरात के बैठने के लिए ये लाउंज है जहाँ पे मुसाफिर हजरात गाड़ी का वेट किया करेंगे। और वो टिकट काउंटर वगैरह मेरा कैमरा मैन आ जाए तो ये स्टेशन मास्टर साहब का कमरा है, इसे भी ताला लगाया गया। यहाँ पर फर्श वगैरह का काम मुकम्मल किया जा चुका है। और ये वो काउंटर जिस पर ग्रिल वगैरह लग चुका है, यहाँ से मुसाफिर हजरात और ये वो काउंटर है यहाँ से मुसाफिर हजरात टिकट वगैरह लिया करेंगे। वो काउंटर जहाँ से अनकरीब मुसाफिर हजरात ट्रेन में सवार होने के लिए टिकट वगैरह लिया करेंगे इस काउंटर से। और ये वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया जहाँ पे बेंच वगैरह लगा दिए गए हैं, 7-8 बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे तकरीबन। तो यहाँ मुसाफिर हजरात गाड़ी का वेट किया करेंगे। और ये देख सकते हैं ये हिफाजती यहाँ पर ये ग्रिल वगैरह लगाया जा चुका है। और ये स्टेशन के बैक साइड का हिस्सा है और ये पार्किंग की जगह है ये जहाँ पर इस वक्त ये कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इसे इनक्रोचमेंट तो नहीं कहा जा सकता, ये गरीब खाना बदोश टाइप के लोग हैं जो यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। तो मेरा कैमरा मैन आ जाए और मैप वगैरह डाले जा चुके हैं और ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा चुका है यहाँ पे। और मेरा राइट साइड पे कैमरा मैन दिखा सके तो ये दरख्त बैर के दरख्त लगा हुआ है, काफ़ी हेवी पुराना दरख्त। तो मेरा राइट साइड पर कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा बेंच वगैरह रखे गए मुसाफिर हजरात के बैठने के लिए। तो और यहाँ पे फ़र्श वगैरह का काम मुकम्मल किया जा चुका है। और आगे मैं आपको वाशरूम की इमारत भी दिखाता हूँ, वाशरूम की सूरत हाल से भी आगाह करता हूँ। तो मेरे कैमरा मैन आ जाए। पुराना दरख्त व्यवर्स जब किसी ज़माने में महकमा रेलवे की जानिब से लगाया गया था तो ये काफ़ी घना दरख्त है जो कि स्टेशन को साया मैसर कर रहा है। इस वक्त शदीद धूप में देख सकते हैं आप। और ये दरख्त के नीचे बेंचेस वगैरह लगाए गए मुसाफिर हजरात के बैठने के लिए। तो अभी मैं आगे की सूरत हाल से आगाह करता हूँ आपको। इस वक्त मैं औरंगी स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं ये वाशरूम की इमारत है। तो पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था स्टेशन, तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको आगाह किया था वाशरूम की इमारत का काम जारी था। तो अभी मैं देखता हूँ क्या वाशरूम का काम मुकम्मल किया गया है या नहीं। तो व्यवस्था देख सकते हैं वाशरूम की इमारत का काम अभी रहता है। यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग वगैरह का काम रहता है, दरवाजे वगैरह लगाए नहीं गए, ये चौखट वगैरह 4 टोटल वाशरूम है। तो वाशरूम का काम अभी रहता है। तो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन 15 दिन पहले मैं यहाँ आया था तो इस इमारत का काम मुकम्मल किया जा रहा था उस वक्त, लेकिन अभी भी यहाँ पे काम रहता है। और 2 वाशरूम इसके बैक साइड में भी है। तो मैं यहाँ की सूरतहाल से अपडेट देता हूँ आपको। तो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे 2 पीछे बैक साइड में और 2 वाशरूम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दोनों में अभी सैनिटरी फिटिंग और कमोड वगैरह प्लम्बरिंग का काम वगैरह रहता है अभी। तो खासा सुस्त रवि का शिकार लग रहा है ये काम। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हाँ मंगोपीर स्टेशन की जानिब से जब गाड़ी आएगी तो इस ब्रिज के ऊपर से होते हुए आएगी व्यूअर्स। तो इस ब्रिज की सूरत हाल से भी थोड़ा सा अपडेट देख सकते हैं। इस वक्त मैं ब्रिज के करीब मौजूद हूँ, औरंगी स्टेशन के करीब जो ब्रिज है। जब मंगोपीर से गाड़ी आएगी तो ये ब्रिज से होते हुए जब गाड़ी स्टेशन के हदूद में आएगी तो यहाँ पे लूप लाइन बिछाया जा चुका है, मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो। इस लूप लाइन के ज़रिए गाड़ी का रुख चेंज किया जाएगा और फिर आगे 2 ट्रैक यहाँ पे बनाए गए हैं। लूप लाइन के ज़रिए गाड़ी का रुख चेंज करने के बाद गाड़ी आगे स्टेशन की जानिब जाया करेगी। और ये मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं ये ब्रिज जिसके ऊपर से गाड़ी आएगी। तो अभी यहाँ पे ट्रैक का काम मुकम्मल किया जा चुका है और मुकम्मल तौर पर ट्रैक को बहाल किया जा चुका है। जानिब से जब गाड़ी औरंगी स्टेशन की जानिब आएगी तो ये नाले के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया था 1960 में। तो इस ब्रिज के ऊपर से जब गाड़ी आगे को आएगी औरंगी स्टेशन की जानिब तो यहाँ पर लूप लाइन बिछाया गया है, देख सकते हैं मेरा कैमरा में देखा है। तो ब्रिज के ऊपर से सिंगल ट्रैक आ रहा है और सिंगल ट्रैक आने के बाद यहाँ पे लूप लाइन के तहत दो ट्रैक यहाँ पे डाले गए हैं, देख मेरा कैमरा में देखा दो ट्रैक बिछाए गए हैं पूरे स्टेशन में। तो मैं यहाँ की सूरताल से अपडेट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लूप लाइन का काम मुकम्मल किया जा चुका है और बाहर ये स्टेशन मुकम्मल तौर पर इस वक्त बहाल किया जा चुका है। सिर्फ वाशरूम का काम रहता है और यहाँ पर जो थोड़े बहुत काम हैं तो कुछ न कुछ व्यवहार हर स्टेशन पर काम इस वक्त भी बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।